या शी फ्रैंकली शी इज वन पर्सन जो जैसी बाहर है वो वैसी अंदर है जितना मैंने उनको देखा है. बट आई डोंट थिंक शी इज अ पपेट. आई डोंट थिंक शी इज समवन यू नो लाइक जैसा उसको कोई चला रहा है वो वैसे चल रही है. आई थिंक शी इज जस्ट प्लेइंग बाय हर ओन माइंड बाय हर ओन विजडम व्हिच इज ग्रेट. कुछ बातें पर्सनल, उन्हें पर्सनल एक वर्ड ये जो है ना ये इसका एक मतलब होता है. इट इज पर्सनल. मेरा पर्सनल एस्पेक्ट जान के आप क्या करेंगे? कैसे हो आप? जानना चाहेंगे आपसे कैसा चल रहा है सब? बहुत बढ़िया. और क्या, लॉकडाउन के बाद कुछ चीजें चलनी शुरू हुई है विच इज गुड गुड. फाइनली थिंग्स आर मूविंग. ओके, एंड आपके जो भी क्लाइंट्स है वो आज बिग बॉस में है, बड़े मंच पे है, तो कैसा लगता है उनको उधर वहां देखने में? बहुत अच्छा लगता है उनको वहां देख के. दे सैडली निशांत एंड नैना गॉट इविक्टेड एंड बट जैस्मिन इज देयर. शी इज प्लेइंग अ वेरी नाइस यू नो शी इज जस्ट बीइंग हरसेल्फ एंड द वे शी इज एंड शी इज गोइंग ग्रेट. She is really doing very nice. So, आप जासमीन के मतलब पर्सनली आप उसे जानते हैं, एज अ फ्रेंड भी उनसे जानते ही होंगे, सो जानना चाहेंगे जैसे वो आज दिख रही है अब बिग बॉस में, वो वैसे ही है या कुछ चेंज है उसमें? फ्रेंड मैं नहीं कहूंगी कि मैं जैस्मिन भी हूँ. मैंने जैस्मिन के साथ एक बार शूट किया है एंड जस्ट बिफोर शी वाज गोइंग टू बिग बॉस आई हैव डन अ शूट. और हमारा शूट के टाइम उससे पहले थोड़ा बहुत यू नो इंटरेक्शन होता है. शूट के दिन इंटरेक्शन होता है. तो या शी फ्रैंकली शी इज वन पर्सन जो जैसी बाहर है वो वैसी अंदर है जितना मैंने उनको देखा है. लाइक शी इज वन पर्सन इन द शो हु इज वेरी रियल. शी इज जस्ट बीइंग हरसेल्फ व्हिच इज ग्रेट. तो आपसे जानना चाहेंगे मतलब कैसा लग रहा है जासमीन का, आपको पर्सनली कैसा लग रहा है उसका गेम देख के? लोग उन्हें पपेट कह रहे हैं कि मतलब रूबीना उन्हें कंट्रोल कर रही है, कैसा लग रहा है वो सब? मतलब क्या क्या सोचती है आप उसके बारे में? सबसे पहली बात, जैस्मिन मेरे को नहीं लगता कि कोई गेम खेल रही है. हम गेम कब खेलते हैं? जब हम कुछ सोच के आते, कुछ प्लान करके आते, कुछ स्कीम करके आते हैं. बड़े मुझे तो ऐसे चलना, मुझे वैसे चलना, मुझे ये करना, मुझे ये नहीं करना. आई थिंक जैस्मिन इज जस्ट बीइंग हरसेल्फ. शी इज जस्ट टेकिंग ईच एंड एवरी डे एज इट्स कमिंग टू हर व्हिच इज वेरी नाइस. अगर कोई पर्सनैलिटी जेन्युइन होती है तो वो ऐसे ही करती है. आई डोंट थिंक शी इज अ पपेट. आई थिंक या शी इज अ इमोशनल पर्सन विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट आई वुड से. आज की कठोर दुनिया में इमोशंस होना बहुत बड़ी बात है. बट आई डोंट थिंक शी इज अ पपेट. आई डोंट थिंक शी इज समवन यू नो लाइक जैसा उसको कोई चला रहा है वो वैसे चल रही है. आई थिंक शी इज जस्ट प्लेइंग बाय हर ओन माइंड बाय हर ओन विजडम व्हिच इज ग्रेट. So, आप जानना चाहेंगे अभी रिसेंट में काफी लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं घर में, काफी पर्सनल लाइफ पे भी पॉइंट किया जा रहा है नेशनल टेलीविजन में, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में आपको? क्या वो सब होना चाहिए? ये मैं भाई क्या कर सकते हैं, मेरे कहने से या मेरे कमेंट करने से क्या होगा? मेरे लाइक मेरा पर्सनल एस्पेक्ट जान के आप क्या करेंगे? बट जब आप एक घर में रहते हैं और इतने टाइम के लिए रहते हैं, आप बहुत देर तक ना अपना रियल सेल्फ छुपा नहीं सकते. आप अगर कोई पोर्ट्रे भी कर रहा है तो वो एक दिन पोर्ट्रे करेगा, 2 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, बट कभी ना कभी तो वो रियल सेल्फ आएगा ही आएगा बाहर. इट इज वेरी नेचुरल फॉर 10-12 पीपल जिनको एक एक घर में लॉक कर दिया गया है कि अब आपस में रहो, जो करना है करो, लेकिन सर्वाइव करने के लिए एक ट्रॉफी मिलेगी और एक प्राइज मिलेगा. सो हाँ, उस हिसाब से चीजें चल रही है. अब उसमें तो बर्तन साथ है तो कहते ना बजेंगे ही साथ में, टूटेंगे भी, फिर दोस्त भी बन जाएंगे, ये सब तो होगा ही होगा. इट्स वेरी नेचुरल. एंड बिग बॉस में एक नया ट्विस्ट आया, मतलब लव एंगल्स देखने मिल रहा है पवित्र एजाज, तो क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा ही होगा दोनों को। हाँ देखा है. थोड़ा ट्रिकी है एंगल. लाइक वो दोनों लड़ पड़ते हैं छोटी छोटी बात पे, मतलब यू नो वेरी स्मॉल स्टफ जो वो कोई भी नजरअंदाज. बट मेरे को लगता है कि कुछ ना उस घर में है. वो घर ना सबको कुछ ना कुछ कर देता है बिकॉज इतनी छोटी छोटी बातों पे दे जस्ट फाइट. और वो फाइट कोई छोटी मोटी फाइट नहीं होती, टर्न्स आउट टू बी अ बिग फाइट एट टाइम्स. और बाद में दोनों एक कोने में अच्छे से गप्पे मार रहे होंगे, दे विल बी स्माइलिंग एंड एवरीथिंग. सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूज सिचुएशन देयर आई थिंक. बट देखिए शायद धीरे धीरे समझ आएगा क्या हो रहा है आगे. तो आपको नहीं लगता कभी एज अ ऑडियंस देखने में कभी कभी कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है ऐसा कुछ? पहले लगता था, पर पहले सबको ही लगता था भाई,
सबके दिमाग में एक आधी बार आती है, बट आई डोंट थिंक, आई डोंट फील कि इट इज स्क्रिप्टेड एनी मोर, आई डोंट थिंक. दूसरी बात यह है कि 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में से हमें एक घंटा दिखाया जाता है, तो वहां अगर फिल्ट्रेशन होती होगी तो मुझे पता नहीं, बट नो आई डोंट थिंक इट्स स्क्रिप्टेड, आई डोंट थिंक इट्स स्क्रिप्टेड. हाँ, अभी एक खबर आ रही है कि जान जान कुमार सानू वो इविक्ट हो चुके हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ओ, निकल चुके हैं, क्या बात कर रहे हो? न्यूज आ रहा है और ये ट्विटर पे ट्वीट भी कर दिया गया कि वो उसे निकाल दिया गया घर से, तो क्या कहेंगे इस बारे में? आई थिंक जान एक पर्सनालिटी है जिनको अगर मैंने फर्स्ट डे ऑफ शो देखा हो और उनकी पूरी जर्नी अब तक देखी हो, बहुत ग्रोथ हुआ है उनमें और बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है उनमें. इट इज वेरी सैड इफ ही हैज बीन इविक्टेड बिकॉज ही हैड अ लॉट ऑफ चांसेस टू गो गुड, ही हैड अ लॉट ऑफ चांसेस टू गो गुड अहेड. इट इज सैड अगर उनको इविक्ट कर दिया गया है. अब निकी जी क्या करेंगी? यस, निकी एंड जान का लव एंगल कैसा लगता है आपको देखने में? निकी और जान का लव एंगल मुझे बड़ा स्वीट सा लगता है बिकॉज वो जैसे भी बात करती है, वो उनको जैसे भी ट्रीट करती है, ये बेचारे उनके पीछे 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 होते हैं. Maybe he genuinely likes her, I don't know. But it is sweet, but because वो दोनों इतनी अलग personalities हैं, वो जितनी loud है, ये उतना ही शांत है. It is very amazing to see the chemistry between them. So मैं वही कह रही हूँ, अगर जान को evict कर दिया होगा तो निकी जी क्या करेंगे, क्या होगा उनका? Okay. तो एंड अभी recently कविता एजाज के जो fight हुए थे, तो उसमें काफी personal life के बारे में भी उठाया गया था मुद्दा, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने देखा था वो, एंड आई रियली थिंक पर्सनली कि कुछ भी हो जाए, जब आप नेशनल टेलीविजन पे है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. पर्सनल अटैक्स करना इज नॉट गुड. कुछ बातें पर्सनल, उन्हें पर्सनल एक वर्ड, ये जो है ना, ये इसका एक मतलब होता है, इट इज पर्सनल. सो डोंट मेक इट पब्लिक. आई डोंट थिंक दैट वाज गुड. ओके, एंड अब जैस्मिन को पर्सनली जानती हूँ, इसलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे, क्या लगता है आपको वो लास्ट तक सर्वाइव कर पाएगी, टॉप 5 तक जा पाएगी जैस्मिन? जैस्मिन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, वेरी जेन्युइन गर्ल, एंड आई रियली सी हर एज अ विनर देयर, आई डू. ओके, एंड एली के आने के बाद उनका गेम में ज्यादा अच्छा खेल रही है आने के बाद, तो कैसा लग रहा है अभी देखने में उनको? एक नया बहुत अच्छा लग रहा है, एक नया चैलेंजिंग पार्ट देखने मिल रहा है उनमें अब, तो क्या? करेक्ट. शी इज स्ट्रॉन्ग, शी इज स्टैंडिंग, एंड यू नो शी इज लाइक, हर बेस्ट फ्रेंड इज देयर, सो शी इज फीलिंग दैट स्ट्रेंथ अराउंड हर, जो कि बहुत अच्छा है. इट वाज अ गुड थिंग दैट मिस्टर अली वाज देयर, एंड दैट हैज पेप्ड अप हर अ लॉट. मतलब वो बहुत अच्छा खेल रही है, उनका गेम बहुत और स्ट्रॉन्ग हो गया है. सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन कि उनके जीतने के चांसेस बहुत है. और आपके बारे में जानना चाहेंगे, मतलब आपके क्लाइंट्स हैं निशांत मलखानी और कितने, मतलब टीवी इंडस्ट्री में और कौन कौन है आपके क्लाइंट्स? मैंने अंकिता शर्मा के साथ काम किया है, कनिका मान, अभिषेक बजाज, निशांत मलखानी, जैस्मिन बसीन, नैना सिंह, गंगना सूर्यवंशी, दलजीत कौर, चारू सेन. तो ये इंडस्ट्री में आप कब एंटर किए थे आपने इंडस्ट्री में? मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे सिर्फ एक साल ही हुआ है, एंड गॉड हैज बीन फॉर्चुनेट इनफ दैट पीपल हैव लाइक्ड माय वर्क एंड यस इट्स बीन गोइंग गुड. सो या दे लव योर क्रिएटिविटी. सो कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स फैंस से, कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? प्लीज कीप सपोर्टिंग जैस्मिन, प्लीज डू दैट, शी इज गोइंग ग्रेट, और सबका, आप सबका प्यार ही उनको यहाँ तक लेके आया है, शी हैज बीन सर्वाइविंग विद दैट. आगे भी अपना प्यार उनको देते रहिए, एंड वी आई नो दैट वो जरूर जीतेगी ये शो आप सबके सपोर्ट के साथ, सो प्लीज डू दैट.